उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर जा रही ट्रेन में एक बड़ा हादसा टला। दरअसल जब ये ट्रेन जा रही थी प्रयागराज से नई दिल्ली की ओर, तब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में धुआं निकला, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। और इस वीडियो अपडेट में जानेंगे पूरी खबर के बारे में। इसके बाद क्या कुछ हुआ है इसकी भी जानकारी हम देंगे। इस वीडियो में बने रहिए, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। दरअसल प्रयागराज से नई दिल्ली जा रही प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्रियों की धड़कन रविवार की रात यात्रा के दौरान बढ़ गई। रात करीब 12:05 पर फतेहपुर से कानपुर के बीच ट्रेन रफ्तार बढ़ रही थी, और इसी दौरान एसी के A2 कोच में अचानक धुआं निकलने लगा। कोच में धुआं निकलने से यात्रियों की बेचैनी बढ़ गई, और तभी स्मोक डिटेक्टर से अलार्मिंग सायरन बजने लगा। इससे अफरा तफरी मच गया और ट्रेन तब मलबा से कंसपुर गुगौली के बीच चल रही थी। स्मोक डिटेक्टर के लगातार अलार्म बजने और ट्रेन रोकने की सिग्नलिंग के बाद गाड़ी को रोका गया। धुएं की वजह से अचानक ट्रेन रुकी तो AC2 के यात्री में आग लगने की अफवाह के बाद घबराहट हो गई। ऐसे में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद अधिकारी यहां पर पहुंचे, जिसके बाद ट्रेन को मौजूदा स्थिति में खड़ा किया गया। उसके बाद उसे आग को बुझाया गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का कहना है कि जब ट्रेन रोकी गई तो कोच में यात्री रेलवे ट्रैक पर सामान लेकर उतरने लगे थे, और इसी बीच दूसरी लाइन पर मालगाड़ी आ रही थी। इसके कारण कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ और गनीमत यह रही कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके बाद यहाँ से ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। अगर ऐसा स्थिति कभी आपके यात्रा के दौरान होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और उनसे आप सहायता मांग सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखने, साथ ही हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट के लिए।